नमस्ते, निर्जा एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 1 झरना, आज हमारी यह कविता है। पहली पंक्ति मैं गाऊंगी, उसके बाद दूसरी पंक्ति में आपको मेरे साथ साथ गाना है। झरझर झरझर बहता झरना, पल पल छिन छिन कहता झरना, मुसीबतों से मत घबराओ, आगे बढ़ो बढ़ते ही जाओ। अब आपको दोहराना है। झरझर झरझर बहता झरना, पल पल छिन छिन कहता झरना, मुसीबतों से मत घबराओ, आगे बढ़ो बढ़ते ही जाओ। चट्टानों से मैं टकराता, चलता फिर भी हंसता गाता, सर्दी गर्मी सब कुछ सहता, अडिग किंतु पथ पर मैं रहता। चट्टानों से मैं टकराता, चलता फिर भी हंसता गाता, सर्दी गर्मी सब कुछ सहता, अडिग किंतु पथ पर मैं रहता। खुशी बांटता खुशियां पाता, हरियाली के गीत गुंजाता, ऊंच नीच का भेद न करता, तपन सभी की मैं हर लेता। खुशी बांटता खुशियां पाता, हरियाली के गीत गुंजाता, ऊंच नीच का भेद न करता, तपन सभी की मैं हर लेता। घाटी से मैं कभी गुजरता, मैदानों में कभी विचरता, पत्थर को माटी कर देता, धरती को धानी कर देता। घाटी से मैं कभी गुजरता, मैदानों में कभी विचरता, पत्थर को माटी कर देता, धरती को धानी कर देता। देता मैं सबको हरियाली, भर देता जो होता खाली, औरों के हित जीवन धरता, इसीलिए मैं कभी न मरता। देता मैं सबको हरियाली, भर देता जो होता खाली, औरों के हित जीवन धरता, इसीलिए मैं कभी न मरता। हम भी झरना बन सकते हैं, अपने पथ पर चल सकते हैं, सबको खुशियां दे सकते हैं, हंसा हंसा कर हंस सकते हैं। हम भी झरना बन सकते हैं, अपने पथ पर चल सकते हैं, सबको खुशियां दे सकते हैं, हंसा हंसा कर हंस सकते हैं। कुछ शब्दों को मैंने यहाँ पे रेखांकित किया हुआ है, जो कठिन शब्द हैं। मुसीबतों मतलब कठिनाई परेशानी। दूसरा शब्द है अडिग, अडिग मतलब एक जगह पर स्थिर रहना। पथ, पथ का अर्थ है रास्ता। तपन, तपन का अर्थ होता है गर्मी। विचरता, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना या घूमना फिरना कह सकते हैं। माटी मिट्टी, धानी यानी हरा भरा। व्याख्या देखते हैं। झरझर झरझर बहता झरना, पल पल छिन छिन कहता झरना, मुसीबतों से मत घबराओ, आगे बढ़ो बढ़ते ही जाओ। अब यहाँ पर इस कविता के माध्यम से झरना कह रहा है कि पल पल क्षण क्षण प्रतिपल हर समय झरना बहता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। इसी तरह से बच्चों, तुम भी मुसीबतों से परेशानियों से घबराओ मत, अपने कदम पीछे ना ले लो। मुसीबतों को देखकर अपने कदम पीछे नहीं ले लेना है। भले ही कितनी ही मुसीबत आए, कितनी ही कठिनाइयां आए, कितनी ही परेशानी आए, हमें आगे ही बढ़ते जाना है। चट्टानों से टकराता, चलता फिर भी हंसता गाता, सर्दी गर्मी सब कुछ सहता, अडिग किंतु पथ पर मैं रहता। अब यहाँ पर झरना कह रहा है कि मैं तो चट्टानों से, कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उनसे टकराता हूँ, फिर भी कभी रुकता हूँ, चलता जाता हूँ, चलता जाता हूँ, और वो भी कैसे, हंसता हुआ गाता हुआ। सर्दी गर्मी सब कुछ सहता, सर्दी हो गर्मी हो मौसम की कोई भी मार हो, वह झरना सहता रहता है, अडिग
एक जगह पर स्थिर रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता, वह अडिग रहता है, स्थिर रहता है, अपने पथ पर, अपने मार्ग पर, अपने रास्ते पर बना रहता है। खुशी बांटता, खुशियां पाता, हरियाली के गीत गुंजाता, ऊंच नीच का भेद न करता, तपन सभी की मैं हर लेता। यहां पर शरणा कह रहा है अगली पंक्तियों में, खुशी बांटता तो खुशियां पाता हूं। यदि हम किसी को खुशी देते हैं तो हम मन ही मन खुश हो जाते हैं। दूसरों को खुशियां देना अपने आप में भी खुशी पाना होता है। हरियाली के गीत गुंजाता, जहां पर भी झरना जाता है वहां का वातावरण कैसा हो जाता है, हरा भरा। ऊंच नीच का भेद न करता, यहाँ कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है ना ही गरीब है। झरना ऐसा नहीं सोचता कि मुझे नहीं जाना है क्योंकि यह गरीब है यह अमीर है, वह जहां जाता है वहां बहता ही चला जाता है। और गर्मी, तपन यानी गर्मी, सबकी गर्मी को झरना है हर लेता है। जहां भी झरना जाता है, जहां भी वह बहता हुआ जाता है, वहां का वातावरण ठंडकमय हो जाता है। घाटी से मैं कभी गुजरता, मैदानों में कभी विचरता, पत्थर को माटी कर देता, धरती को धानी कर देता। घाटी यानी बड़ी बड़ी घाटियों से जब झरना गुजरता है, कभी बड़ी बड़ी घाटियों से गुजरता है, कभी मैदानों में चलता फिरता है, घूमता रहता है, पत्थर को माटी कर देता। बड़े बड़े चट्टानों में जो बड़ी बड़ी घाटियों में पत्थर होते हैं, वो उस झरने के पानी के बहाव से वह पत्थर भी माटी कर देता है, और धरती को, जो नीचे मैदान वाली धरती है, उस धरती को झरना जहां जाता है वहां कैसा कर देता है, धानी मतलब हरा भरा कर देता है। देता मैं सबको हरियाली, भर देता जो होता खाली, औरों के हित जीवन धरता, इसीलिए मैं कभी न मरता। यहाँ पर झरना कहता है कि मैं सबको हरियाली देता हूँ और औरों की हित के लिए अपना जीवन जीता हूँ। झरना औरों के, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन जीता है, इसलिए वह कभी भी मरता नहीं है। हम भी झरना बन सकते हैं, यहाँ झरना कविता के माध्यम से कहा गया है कि हम भी झरना बन सकते हैं, झरने की तरह हम भी बन सकते हैं, अपने पथ पर चल सकते हैं। यदि हमने निश्चित कर लिया है तो हम अपने पथ पर चल सकते हैं, और झरने की तरह, जिस तरह झरना सबको खुशियां बांटता है, उसी तरह हम भी खुशियां बांट सकते हैं और हंसा हंसा कर हंस सकते हैं। दूसरों को हंसा कर हम खुद भी हंस सकते हैं। इस कविता से कुछ प्रश्नोत्तर हो जाए। सबसे पहला, कविता का जो शीर्षक है वही क्या है, झरना। तो झरने के माध्यम से क्या सिखाया गया है, झरने को क्या क्या कठिनाइयां उठानी पड़ती है। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, झरने को क्या क्या कठिनाइयां उठानी पड़ती है। झरने को, झरना चट्टानों से टकराता है, झरना सर्दी और गर्मी को सहन करता है। दोबारा से पुनरावर्तन कर देती हूँ, झरना चट्टानों से टकराता है और सर्दी गर्मी सहता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, झरना क्या बांटता है। झरना क्या बांटता है, झरना खुशियां बांटता है। झरना क्या बांटता है, उत्तर होगा झरना खुशियां बांटता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, झरना कहाँ विचरण करता है। झरना कहाँ विचरण करता है, झरना मैदानों और घाटियों में विचरण करता है। झरना कहाँ विचरण करता है, झरना मैदानों और घाटियों में विचरण करता है। प्रश्न चार, तपन कौन हर लेता है। तपन कौन हर लेता, तपन मतलब क्या होता है, हमने अभी सीखा, तपन मतलब गर्मी, गर्मी कौन हर लेता है, तपन कौन हर लेता है, तपन झरना हर लेता है। जीवन मूल्य, इस कविता के माध्यम से हमारे जीवन का क्या मूल्य है, यह हमारे, हमको क्या सीख देती है, झरना कविता हमें क्या सीख देती है। यह कविता हमें संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने की सीख देती है। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, यह कविता से हमें सीख मिलती है कि संघर्ष करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस कविता से क्या सीख मिलती है, इस कविता से हमें सीख मिलती है कि संघर्ष करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। आशा करती हूँ यह कविता की व्याख्या आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।